उस मणि से वो लड़की खेलती थी। अब सांझ को वक्त भाव प्रसेन लौटे नहीं, प्रसेन जब नहीं लौटे तो घर में गांव में चर्चा चली कि प्रसेन मणि लेकर के गया था। तो जब मणि पे कृष्ण के सभा में जब बात चल गई थी कि मणि कृष्ण ला गए, तो मुझे तो जिम्मालिम पत्ते के बाद मणि की खातरी कोई गड़बड़ तो ना है भाई, ध्यान रखना है भगवान कृष्ण की तरफ उंगली जा रही है कि उन्होंने मणि की खातिर कहीं ऐसा तो नहीं है प्रसेन को मरवा दिया हो जंगल में। मणि तो बेई लेके गए प्रसेन, ध्यान रखना। ये भगवान पर जो दोष लगा था परीक्षित जी, ये तिथि थी चौथ, तजो चौथ चंदा की नाई, चौथ को दोष लगा था। उसी दिन से चौथ को हमने निषेध मानना स्वीकार कर लिया, चौथ के दिन दोष लग गया था। तो भगवान कृष्ण के ऊपर जब आरोप आया कि इन्होंने मरवाया है, अब विचार किया कि चलो मैं अकेलो जाऊं ढूंढबे, और का उतरे थे मणि मिल गई वो है। तो नगरवासी जय कंगे कहीं न चोरी पकड़ गई तात लाए हैं। तो पहले भैया सब नगरवासी मेरे संग चल, सब संग चलो। तो आज भगवान सबको लेकर के, और जिस समय जंगल में जा रहे थे रास्ता में, तो प्रसेन की लाश मिली है। प्रसेन मरे हुए पड़े थे, लेकिन जहां प्रसेन मरा हुआ पड़ा था वहीं शेर के पैरों के निशान बने थे। भगवान ने कही कि प्रसेन को सिंह ने मारा है, शेर ने मारा है। उसी रास्ता पे आगे चले गए तो फिर शेर मरा पड़ा था, जहां शेर मरा पड़ा था वहां पर फिर रीछ के निशान बने हुए थे। भगवान समझ गया कि शेर को रीछ ने मारा है। उस पद चिन्हों पर चलते गए, ध्यान रखना श्रोता बंधु, तो पद चिन्हों पर जब भगवान गए और उस गुफा के भीतर गए तो मणि चमक मार रही थी भीतर से, और वो बिटिया उस मणि से खेल रही थी। तो भगवान जब सामने पहुंचे हैं तो भगवान ने उस मणि को देख करके उस बेटी से कहा, क्या है एक बात में कह रहो तो ₹100 का पुरस्कार है, धन्यवाद। तब उससे कहा कि लड़की इस मणि को मुझे दे दे, इस मणि की खातिर में नगर में जाने लायक नहीं रहा, मणि में पूरे नगर में मेरे ऊपर दोष लग गया, क्या मैंने इस मणि की खातिर प्रसन्न को मरवाया है। तो भगवान उस मणि को छीनना चाहते थे। कैसी गति गुफा में होई और दी कठोर की बिटिया रोई, कृष्ण उस मणि को छीनना चाहते हैं और लड़की उस मणि को देना नहीं चाहती। भगवान ने की लड़की इस मणि को तो मैं लेके जाऊंगा, इसकी खातिर तो मेरे ऊपर दोष लग गया। और उसी समय जब वो लड़की रोई है गुफा में, ध्यान रखना, और जब वो गुफा से बाहर रोने की आवाज आई है बेटी की, ध्यान रखना ये रीछ कौन था जो आज गुफा के भीतर से बेटी की आवाज सुनी है, ये रीच था कौन? अरे राजा देखी ध्यान सुनो, लंका में भाई थी लड़ाई रे, लंका
गुफा के भीतर रहता था, वो रीच साधारण कोई नहीं था, वो जामवंत थे। जामवंत, और जिस समय बेटी की आवाज को सुनकर के प्रवेश किया गुफा में, भगवान कृष्ण खड़े थे। कौन हो तुम, कहां से आए हो, और मेरी बेटी की आंखों से आंसू निकलवा दे कि मरी तुम्हें ऐसे मिल जा भाई। हाथ उठाई कहिए मोहन, कैसे कैसे वीर हुए इस धरती पे, और ये 100 रुपए का पुरस्कार व्यासपीठ के माध्यम से श्रीमान हरिश्चंद जी की तरफ से है। बेटी बात बहुत करता था, हैं? और देखो अब काय आज की बात हो रही है, तुम्हारे हाथ जोड़ने बिटिया बात मत कर, परेशानी आते जाते कह बे। जब तो हॉस्पिटल करती हो तो तुम इतनी जोत तक करती हो कि हमारी आवाज ना पहुंच पाती है, यहां तक आते। तो परीक्षा जी, जिस समय दोनों वीरों में संग्राम हुआ, और कितने दिन हुआ, एक बार हाथ मिल गया था दोनों वीरों का, तो हाथ में हाथ छूटा नहीं, वे वीर भाई रहा धरती पे, और कितने दिन नहीं छूटा। सुनो, वीर लड़े जब धरती पे, अरे उनका जग में नाम हुआ, उनका जग में नाम हुआ। जामवंत का एक घोटू धरती पर टिक गया, घोटू टिक गया। विचार करना, उसी समय जामवंत को संकेत हुआ। संकेत हुआ कब का? सुनो, जामवंत कितने बड़े बलवान थे,
क्या जिस समय भगवान श्री राम की विजय हो गई थी लंका में, तो पूरे रामानंद को इकट्ठा किया और भगवान प्रभु श्री राम ने कही कि अब ये बताओ काऊ की लड़वे की इच्छा बाकी तो ना रहेगी। युद्ध पूरा हो गया, हनुमान जी, अंगद, नल, नील सब ने कही कि महाराज लड़त लड़त थक गए, बिल्कुल शरीर पस्त है, महाराज युद्ध की इच्छा नहीं रही है। जब सबको पूछने के बाद जामवंत का नंबर आया तब कही कि तुम कैसे बैठे हो, तुम बताओ। जामवंत ने कहा प्रभु हम तो पूछ रहे हो, अरे हम तो 84 दिन त्याई लड़ाई भाई जय देख रहे कि हम लाक काम का देना आवे तो महाराज हमारी तो पेट की पेट ही रहे। जामवंत की युद्ध की इच्छा पूरी नहीं हुई, तब कही भगवान ने कि इस समय यहां धरती पर कोई ऐसा वीर नहीं है जो जामवंत तुम्हारे मल्ल युद्ध की इच्छा को पूरी कर सके, किसी में इतना बल नहीं है। वो बल तो केवल अब अगले युग में मैं ही आकर तुम्हारे शरीर से मल्ल युद्ध करूंगा, और कोई नहीं कर सकता। तो आज भगवान कृष्ण को स्वयं लड़ना पड़ा। और समझ लेना जामवंत तुम्हारे मेरे बीच में जिस समय तुम्हारा घोटू धरती पर टिक जाए उसी समय समझ लेना का अवतार हो गया, और किसी में बल नहीं है। और परीक्षा जी जामवंत में कितना बल बताया हमारे गुरुदेवता ने कि जामवंत जो थे वो शिष्य थे शिवजी के, भोलेनाथ के। तो एक बार भोलेनाथ में पार्वती में भांग पीसवे के पीछे मनमुटाव हो जैसे आज हुए जाते, सुबह नाराज है गई बे रह गए कैलाश पर्वत पर बेजा के बैठे गए द्रोणागर पर्वत पर। तो देखो माता पिता के बीच में अगर झगड़ो हुए तो पुत्र का अधिकार है कि वो काऊ नंग न बोले, काऊ के पक्ष में न बोले बिल्कुल। तो जामवंत जी ने कही कि गुरुदेवता मैया नाराज हैं तो ऐसा करो चलो मनायला में। भोलेनाथ ने की मैं इतती जाऊं तो मेरी बात छोटी ना है, विचार करना कितना बल था। तो जामवंत ने एक ही बार में और कूद के समुद्र के किनारे पर्वत बजा के कही मैया तुम्हारी बहुत याद कर रहे हैं, वे पत्त में बुला रहे हैं, चलो ना मेरे संग। पार्वती ने की मैं अपने आप चली जाऊं, भाई बात बिल्कुल मट्टी मिल जावे बे आराम ही ना। उतरता कूद के आए थे इतने मनाए के बाबा तुम्हें चलो, गुरुजी तुम्हें चलो, अब न तो बाबा जाए ना भाई आवे। ध्यान रखना तब जामवंत ने मन में सोची कि अब इनको मेल ऐसे नहीं होवे, इसीलिए जब बानर दल सागर की पार पर खड़ा था और 100 योजन समुद्र था कूदने को और सब वीर पीछे हट रहे थे, कोई कहते तो कि मैं 60 योजन चला जाऊंगा, कोई कहते तो 70 योजन चला जाऊंगा, कोई कहते तो 80 योजन चला जाऊंगा। तब जामवंत ने कहा सुनो तुम तो अब नौजवान पट्ठा हो, बामन प्रभु ने जब बल बांधा उस समय जमाना मेरा था, 2 घड़ियों में भूमंडल का हो जाता आना जाना था, इतना बल लिखा। तब कही थी हनुमान जी निकबा बल को याद करो जो भूले बैठे हो, तुम पे जवानी है समय और तुम्हारी उम्र मोह पे हथकाई, तो नव यौवन जब बदन हमारा तो धरती नगी 71 बार कूद गया था पृथ्वी को और तुम जब 100 योजन समुद्र के तहत हार रहे हो। तो सुनो मेल कैसे करवाया, क्या जिस शिखर पर गुरुजी बैठे थे धन्य जामवंत जैसे वीर को, और विचार करो रावण ने भी क्या कही थी, रावण ने यह कही थी अंगद से क्या बानर सब मूली गाजर हैं मेरे लिए, सुग्रीव पेड़ सरता तट का, अरे जा जामवंत पर फूले हो चौथापन है उस वट का।
तुम बात जामवंत के ऊपर फूलियो बाप है बुढ़ापो कब जब राम चढ़े थे तब वो जामवंत बूढ़े थे और उस अवस्था में भी एक दिन क्षण मात्र को रावण का सामना हो गया था बस एक ही बार हुआ जामवंत का। सो रावण ने कही कि तुम बड़े बूढ़े हो ताते तुम्हें बुढ़ापो देख के मैं तुम्हें अटैक ना कर तो लगा ही रहो करो सामने ही मत परो करो। जामवंत ने की देख सही बात तो यही है कि हम यही चाहते हैं कि तू हमारे सामने ही ना आवे सो ही अच्छो है। तो जब रावण ने आंखें लाल करी सो जामवंत ने देख लेना रामायण में एक मुष्टिक का प्रहार किया था तो जहां युद्ध हो रहा था वहां से रावण लंका के गेट पर गिरा था एक ही मुक्क में। कब तब जामवंत बूढ़े तब और ता समय तो वो जवान थे सो जिस पर्वत के शिखर पर गुरुजी बैठे थे वो शिखर उठा लिया कंधा पे और उठा करके उस जामवंत जैसे बीन ने वो शिखर आकाश को फेंक दिया। इतनी देर में इधर से कूद मारी सब बा पर्वत में जिस शिखर पे मैया बैठी थी गुरमाता वो भी शिखर उठा लिया और उधर से वो फेंक दिया और जा समय दोनों शिखर आकाश में टकराने और जो शिवा पार्वती नीचे गिरे सो आमने सामने से हाथ पकड़ दोनों की आमने सामने से जेट भर गई। तब जब दोनों ही गिर रहे थे उसी समय नीचे से कंधा लगा दिया गुरुजी को और गुरुमाता को अपने कंधा पर धारण किया बोलते जामवंत डॉक्टर चंद्रवीर सिंह आलमपुर से 100 रुपए का पुरस्कार है। ध्यान रखना जब जामवंत जी समझ गए थे कि मुझे दुनिया में कोई हराने वाला नहीं है तो प्रणाम किया प्रभु पहचान नहीं हो पाई तो तुम्हें पता नहीं है जब मणि की खातिर दोष लग गया है। जामवंत बोले महाराज ले जाओ तो वो मणि जब भगवान को दी तब जामवंत एक विनती और कर रहे हैं कि प्रभु जब मणि तो ले जा रहे हो पर जब मणि तो ये लड़की जो खेल रही है मेरी विनती है कि नहीं जाओ इसे भी अपने संग लगा लो। तो आज भगवान मणि लेकर के आए भरे समाज में दोष मिटाया और उसी लड़की से भगवान ने फिर अपना दूसरा व्यवहार रचा जामवती नाम था उसका। सत्राजीत को वो मणि दी सत्राजीत लज्जित हुआ क्योंकि बाण तो जी समझ ली कि मेरे भैया इन नहीं मारो है। अब वो लज्जित हुआ कि ले अब अपनी मणि तो लो तुमने मेरे ऊपर दोष लगाया। सत्राजीत ने की कि प्रभु अब सही बात तो जगह मणि मोला कहे ही ना अब कह पाए कि मोला कना है तो प्रभु जब मणि ले लो तुम और एक सत्यभामा नाम की लड़की और है उसे भी तुम्हें ही देना चाहता हूं। श्रोता बंधु भगवान के 8 पटरानी थी रुक्मणी जामवती सत्यभामा मित्रविंदा कालिंद्री भद्रा सत्या लक्ष्मणा और 16,000 लड़की भौमासुर राक्षस के यहां कहते हैं भौमासुर राक्षस के यहां। तो सत्यभामा की मदद से भगवान ने उसका वध किया। जब वो सब लड़की मुक्त हुई छुड़ा तो नहीं लेकिन जब वे अपने अपने घर को विदा करी तो घर वालों ने ठुकरा दिया कि तुम बाप पापी की कैद में रही हो तो तुम अब हमारे घर रहने लायक नहीं। तब वे 16,000 वापस वहीं और तब कन्हैया दी कि प्रभु जाते तो बढ़िया में कैद में ही अच्छे घर वालों ने ठुकरा दिया। विचार करना कितनी गज की छाती थी इसीलिए उसे करुणा निधान बोला जाता है। अगर तुम राजी हो 1, 2, 10, 5 ना ही बहन जी 16,000 तो जिकई तुम्हारे घर वालों ने अगर ठुकरा दिया है और तुम राजी हो तो मैं सबको अपनाने को स्वयं तैयार हूं पर तुम्हारी बेइज्जती नहीं होने दूंगा। इसे कहते हैं भगवान। तो जिसे घर वालों ने ठुकरा अच्छा विचार करो जी दुनिया ठुकरा दे और फिर घर वाले ठुकरा दे फिर वो परमात्मा ठुकरा दे तो वो रहे हो कहां। जिसे दुनिया ठुकरा देती है फिर भगवान अपना था भगवान जिस समय द्वारका में निवास करते थे श्रोता बंधु धर्मराज युधिष्ठिर ने एक यज्ञ रचाया
राजसु यज्ञ रचाया और यज्ञ का नौता भेजा भगवान कृष्ण को, क्या प्रभु मैं यज्ञ कर रहा हूं, आप हमारी यज्ञ को सफल बनवाएं।